रायपुर रेलवे स्टेशन में अब पार्किंग ठेकेदार की वसूली को लेकर चल रही मनमानी पर नकेल कस गई है। IRS न्यूज की पहल पर अब रेलवे अधिकारियों के साथ साथ जिला और पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। स्टेशन परिसर में ठेकेदार की ठसक खत्म होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। चलिए आइए दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। रायपुर रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से पार्किंग ठेकेदार अवैध तौर पर चालान और जुर्माना वसूल रहे थे। बुधवार को खबर दिखाने के बाद रेलवे और जिला प्रशासन फौरन एक्शन में आया। रेलवे अधिकारियों के साथ रायपुर कलेक्टर, SSP और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि अब अवैध चालान और जुर्माने की कार्रवाई पर रोक लगेगी। पार्किंग ठेकेदार किसी भी गाड़ी को लॉक भी नहीं कर सकेगा। लगातार शिकायतें आ रही थी कि पार्किंग को लेकर वो हैं, उस पर हम लोग सारे लोग, पुलिस के लोग, नगर निगम के लोग, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं और जो भी आवश्यक उसके लिए हमें कार्रवाई करनी है देख रहे हैं। आने वाले समय में आपको व्यवस्था सुधरी हुई दिखेगी। मैं रेलवे प्रशासन, GRP और सभी पुलिस के अधिकारी शामिल थे और कुछ विषय हम लोगों ने डिस्कस किया है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और हम लोग की पूरी ये एक तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी इन जगहों पे बेफजूल में गुंडागर्दी करेगा उस पर अब कार्रवाइयाँ हम लोग पुलिस द्वारा करेंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सभी की है, तो उस व्यवस्था के तहत सबको बात माननी पड़ेगी। रेलवे द्वारा जो भी चीज़ें निर्धारित की जाएगी उसका पालन सबको करना पड़ेगा। बैठक के बाद जिला प्रशासन और रेल अफसरों ने स्टेशन परिसर के साथ ही पार्किंग स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन की बैठक में ठेकेदार को सभी लॉक और चैन GRP थाने में जमा करने के आदेश के साथ ही किसी तरह की गुंडागर्दी से बाज आने की हिदायत दी गई। जो भी व्यवस्था है उनमें खामियां हैं, जो भी नियम के अंतर्गत नहीं है उन सभी व्यवस्थाओं को, अव्यवस्थाओं को दूर करके और जल्द ही एक दुरुस्त व्यवस्था दी जाएगी। पार्किंग में किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, जनता को किस तरीके की चीजें समस्या आ रही हैं, उसमें उसी में सभी बिंदुवार चर्चा हुई और उस पर कुछ निर्णय लिए गए। नहीं, लॉक करने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कहा है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग को लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक के बाद अब रायपुर रेल मंडल के DRM के अलावा जो रायपुर कलेक्टर, SP और मंडल सुरक्षा आयुक्त के अलावा DCM, सीनियर DCM, ये तमाम अधिकारी जो है अब पार्किंग स्थल का जायजा लेने के लिए स्टेशन परिसर में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस प्रकार से व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से जो है ठेकेदार की जो मनमानी है उसे रोका जा सकता है, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनसे अवैध वसूली ना हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जाहिर है सरकार व्यवस्था बनाने के लिए पार्किंग का टेंडर करती है, लेकिन जब व्यवस्था के नाम पर आम जनता से लूट होने लगे तो INH हरी भूमि अपने जनहित के सरोकार को आगे रखता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।